और चुनाव चुनाव के लिए सरगर्मी अभी तो मना कर रहे थे भैया जी, लेकिन फिर पूछ लिया चुनाव। हाँ बोलो। चुनाव के लिए सरगर्मी तो है, है और चुनाव होना भी चाहिए। और कैसा लग रहा है इस बार चुनाव? मुद्दा जरा सा कमजोर लग रहा, मुद्दा बढ़िया होना चाहिए, युवा का रोजगार के लिए होना चाहिए, क्योंकि झारखंड से निदिन लोग पलायन कर रहे हैं, रोजगार यहाँ एक ज्वलंत मुद्दा है। इस पर जो भी सरकार बने उसको फोकस करना चाहिए, इस बार जो भी सरकार बने उसको इस मुद्दे पे फोकस करना पड़ेगा। हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं, राज्य से बाहर जो पढ़ने के लिए, उन लोगों के लिए ऐसा संसाधन मौजूद होना चाहिए कि बाहर जाना ना पड़े, यही काम मिले। अपोजिशन का कोई मुद्दा नहीं है सर, अपोजिशन भी कोई स्ट्रांग नहीं है हम लोग पास, कि जो लोग अपना एक अपना पक्ष रख सके, जो एक भाव, ये हम लोग चुनाव वोटर्स पे अपना एक इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन अपना है ना वो इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे, वो लोग बस बायकॉट मोदी बायकॉट मोदी, वो लोग एक अपना विजन लेके आए कि हम लोग भी जो युवा हैं, हम लोग एक अपना देखे थिंकिंग कि हम लोग अपना 5 साल अगर दे रहे हैं, एक वोट दे रहे हैं, हम लोग भी वोटर्स हैं, न्यू वोटर्स हैं, तो हम लोग का वोट सही जगह पर जाए, कि वो अपना एक एक अच्छा विजन दे हम लोग को कि हम लोग आपके लिए ये एक प्रॉपर प्लानिंग रोड मैप दे, रोड मैप दे, एक प्रॉपर प्लानिंग विजन दे, हाँ रोड मैप, ना कि बेशक ना कि मोदी को ब्लेम करते रहे बस के। कोई रोक रहा है, है? कोई रोक रहा है तो फिर ना आनंद मोहन क्यों डरते हो? मोहन आनंद है, मोहन आनंद, आप मोहन आनंद, टीवी में आते हैं आनंद मोहन, आप टीवी में आते हैं, आप फिल्म में हैं क्या? किसी घर में रखे हैं, फिल्म में आते हैं नहीं, आप टीवी में आते हैं। हाँ ये तो मैं तो आता हूँ, ये क्या दिल्ली में क्या बोलते हैं इसको, कनॉट प्लेस, कनॉट प्लेस में आते हैं, सबसे इंटरव्यू लेते हैं। मैंने कल भी इनकम देखे थे, पटना गए थे, बिहार, बिहार में इंटरव्यू ले रहे थे, और वहाँ दही आप कुछ खाए थे वहाँ, कचौड़ी वाले का एडवर्टाइज भी किए थे। आप इतना स्मार्ट है, अब बाल ऐसा क्यों रखते हैं? इतने स्मार्ट है, बाल ऐसे क्यों रखते हैं? बाल भी स्टाइल है, बोलिए ना स्टाइल है हमारा, ये स्टाइल है क्या? यही पहचान है, सब मारता है बाल में, ये आपका स्टाइल है। क्या नाम हो गया? प्रवीण कुमार। रिंकू खान है? रिंकू खान, रिंकू खान भाई। अरे आनंद मोहन कहाँ चले गए? वो अमन, अमन, अमन बेटा, वो अमन बेटा है, इधर आओ अनंत मोहन, यहाँ अनंत मोहन, यहाँ वही है मेन मालिक, मालिक वही है। हाँ देखिए इसका बन रहा है अंदर मार्केट। अच्छा आर पार है दुकान? आर पार। और बस कुछ नहीं, डर कहाँ रहे थे? डर नहीं रहता, इंटरव्यू कभी नहीं दिया बेचारा, इसीलिए उसको ऐसा लग रहा था। तो तुम तो रोज दे रहे हो आजकल? हाँ ले लीजिए, सुबह शाम दोपहर। जी जी जी, उससे भी पांचों टाइम दे रहा हूँ इंटरव्यू। हाँ हाँ ले लीजिए। फुटपाथ में कहाँ लगाए हो? कहाँ है फुटपाथ में, मेरा दुकान मेरा जमीन में लगा हुआ है दुकान, फुटपाथ तो आप जहाँ खड़े हैं, हम जहाँ खड़े हैं वहाँ है। अंदर का माल बाहर ले आए हैं, अंदर बन जाएगा तो बाहर का माल अंदर चला जाएगा, अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। पहले हीरो रो चुके? हाँ पहले किया, 4-5 साल काम किया वहाँ मुंबई में, फिर वहाँ चले ही नहीं, हम दिल्ली में रहते हैं। अब दिल्ली में कर रहे हैं, वही इन्हीं के साथ कर रहे हैं, ये जो पाजी नहीं है इन्हीं फिल्म में काम कर रहे हैं। अब वो तो फिल्म मुंबई वालों ने तो रिजेक्ट कर दिया मुझे, मजमा लग जाता है आप यहाँ जाते हैं। हाँ, वो तो अब खैर बात अलग है, लेकिन मुंबई में नहीं चल पाए, अब तो ज्यादा पार्टी पॉलिटिक्स वाला लोग से बात करते हैं। फिर उसी में आ गया, फिर मुंबई में गया था, 8-10 साल रहा वहाँ। ले लो बेटा, तो फिर जब मुंबई गए वहाँ, फिर मुंबई गए वहाँ, बना नहीं काम वहाँ, तो फिर इधर ही आ गया, फिर यही चैनल में, इन्हीं के चैनल में, न्यूज 18 में करने लगा काम। फोटो लेना, खुशी होती है आपको, देखते हैं ना टीवी में, बहुत खुशी होती है। फिर मुंबई में आपका बोलने का स्टाइल अच्छा मन लगा। फोटो ले, फोटो ले। हाँ ले लिया, आओ आइए। फ्रेंड अंकल, आपकी जरूर इच्छा थी मुंबई जाने की? ना ना ना, मेरी थी इच्छा या नहीं थी? अरे वो छोड़िए, वो तो कोई बात, वो तो एक्सीडेंट हो गया। हाँ एक्सीडेंट हो गया, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी इच्छा जरूर थी मुंबई वाली, क्योंकि वो जो बीज है वो मैंने देख लिया अंदर, वो कुल मिला रहा। मैं तो ना गया कभी मुंबई, न जाने की इच्छा थी, लेकिन वो पाजी आपकी इश्क में इतना हुआ गिरफ्तार कि अब तो पता ही नहीं चलता कि मैं कौन, आप कौन, ये कौन, सेल्फी कौन, दुकान कौन, सड़क कौन, फुटपाथ, फुटपाथ नहीं, फुटपाथ कौन? मुरी, मुरी से, मुरी से, मुरी दिल्ली सर। हाँ कहाँ से आए हैं? हाँ आपसे मिलने, पता चला आप यहाँ रांची में,
अल्बर्ट एक्का चौक में घूम रहे हैं तो आ गए। वाह 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 वाह, क्या बात है, मिलने चले आए उतनी दूर से धूप में? नहीं पड़ेगा, आप उतनी दूर से आए हैं तो पास में तो आ ही सकते। अरे झारखंड का आदमी बहुत बोला है। वो तो बात है, 100% बात बोली आप, बहुत बोला है, एकदम निर्मल है, एकदम निर्मल, सीधा साधा वही है बोला, बम बम बोले, आदिवासी। कहाँ जा रहे? चिल्ली से ही है। चिल्ली से ही साथ में? साथ में आयो? अरे आओ भाई, फिर आ जाओ साथ ही में आ जाओ। हमेशा टीवी में देखे आपको, सर को देखे कितना दिन, मैंने हम हमेशा देखे हैं और दिल खुश हो गया आपसे भेंट रूबरू होकर। शुक्रिया सर, आप बस समझिए यही बस यही बस ईश्वर है, अल्लाह है, यही गॉड है। सही बात है सर, आपको खुशी मिलती हो किसी से? बेशक सर, हमेशा देखते हैं सर। बस भैया बहुत खुशी हुआ सर मिल गया, सच बता सर बहुत खुशी हुआ सर, बहुत खुशी हुआ सर मिल गया। अजी यही है बस मुंबई, यही है कोलकाता और यही है चेन्नई। फिल्म असल की फिल्म चल रही बाजी है, जिंदगी वाली, इसमें कोई एडेसिव यानी कोई गोंद की जरूरत नहीं है, प्यार मोहब्बत इश्क बस। आइए 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 रे, अब आप ले चलो हमारे साथ। नहीं सर, अरे यार ऐसा ना करे, हमारी दुकान है, दुकान छोड़। अरे दुकान आती रहेगी, दुकान है, इतने दिनों बाद हम आए, चलो यार हमारे साथ। कहाँ चले? अरे मामा उनको क्या बुला रहे हो तुम, चलो ना हमारे साथ, चलो यार अब तुम। सर एक फोटो चले लेते हैं, हम ले लिए, हम ले लिए। अरे फोटो बहुत बढ़िया, आपका पसंद इतना है ना, हम देखते आपको न्यूज में सर। ठीक है सर, अरे अब चलो यार, अरे सर आपका तो काम है। अरे मैं काम, हम बाद में हम तुम्हारे बर्तन बेच लेंगे आगे, हमको बर्तन बेचना है। अरे हम तुम्हारे बर्तन बेच देंगे यार, आओ आओ यार, आओ यार, अरे आओ यार, अरे आओ यार, हैं? अरे आओ, अरे आओ यार, आओ आओ। आदमी किसका है पता ही नहीं चल रहा है, मीडिया का है कि बर्तन का है कि फोटो का है कि काहे का, आदमी नहीं पता चल रहा। आओ ठंडी ठंडी हवा लग रही है, ठंडी हवा नहीं लग रही है, वो जो भीग जाते हो ना, अब फिर जो हवा लगती है वो सब ठंडी लगती है। उड़े जब जब तेरी जुल्फें, क्या है गाना गाओ, उड़े जब जब जुल्फें तेरी, उड़े जब जब जुल्फें तेरी। अब अगला ना गाना, अब ये उम्र है, घर वाली बातें करते हो तुम लोग भी। और राशिद मियां सब ठीक है, थक तो नहीं गए? नहीं नहीं, चलते रहो बस बेटा। जी रांची का हरमू मैदान है, वही रांची, हाँ जी, धोनी 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 वाला रांची। अपना अनुभव बताइए। हमारा अनुभव जी बहुत बढ़िया है, हम चले थे लगभग 8-9 मार्च के आसपास दिल्ली से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तराई होते हुए फिर औरंगाबाद गया होते हुए इधर जमुई होते हुए पटना, फिर उधर पश्चिमी पूर्वी चंपारण होते हुए उधर पूर्णिया, नवादा गए थे, नवादा गए थे बाबूजी। नवादा में क्या आपका ओपिनियन है बाबूजी? चुनाव बहुत मजेदार है वहाँ पे, और चुनाव बहुत फंसा हुआ, बहुत मजेदार चुनाव। हाँ जी, अब देखिए यहाँ हरमू मैदान पे खबर है, कहाँ की? नवादा की। खबरें तो आती हैं, कई लोग पूछते हैं मुझसे कि नवादा का चुनाव के बारे में बताइए। नवादे का है कि थोड़ा सा टसल रहा, वहाँ कम वोटिंग हुआ ना। हाँ हाँ, बहुत कम वोटिंग हुआ। लेकिन मुझे जरा बस एक दो चीजें और बताइए कि बाकी देश में क्या होना है? देश में तो मोदी आएगा ही, उसमें 400 400 पार शायद
तोप का लाइसेंस मांगता है तो पिस्तौल तो मिलेगा ना। 400 नहीं आएगा भाई, 400 बोला है, 375, 70, 80 तक तो जाएगा। आपका? मेरा कोई ओपिनियन नहीं है अभी। तो हवा ही करेंगे क्या बस? सिर्फ है हवा ही करते रह जाएंगे क्या? नहीं, हवा करेंगे हैं। क्या ओपिनियन है? मोदी जी को आना चाहिए। सही बोले, सही है, मोदी जी तो आएंगे ही। हाँ, लेकिन 400 हमको डाउट है। 400 नहीं है, 400 किसी कीमत पर नहीं आने जा रहा है, लेकिन अच्छी मेजोरिटी से एनडीए आ रहा है। अच्छी मेजोरिटी से मोदी जी को आना ही है, श्योर आएंगे मोदी जी। लेकिन 400 पार का जो बात भी है वो क्या है? 400 तो नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत कम है। हाँ जी, माइंड गेम है को मैंने ऐसी कर हटा सकते। माइंड गेम ना होता तो कहाँ वो पूर्णिया और कहाँ ये हरमू का मैदान रांची, तो दिमाग का ही तो खेल है सब चल रहा है। आप बताइए, अरे सब दिमागे का खेल है बाबूजी, दिमागे का तो खेल चल रहा है। ये बाबूजी नहीं बोले कुछ, बहुत कम बोलने वाले हैं। मोदी जी को जिता रहे, गंभीर आदमी है, गंभीर आदमी एकदम। रांची में मोदी समर्थक है। अच्छा अच्छा, लेकिन वो गंभीरता के साथ सारी विश्लेषण यहाँ पर छोके छोपो मोदी सपोर्टर। अच्छा, देश को बचाना है तो मोदी ही आना चाहिए, है ना? यहाँ हरमू है, यहाँ तो 80% बीजेपी को ऐसे भी जाता है, आएगा तो मोदी है। 400 पार वाला, 400 पार थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन लेकिन 300 to 350 जी। हाँ जी भैया, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक ही रहता है, कुछ कुछ देखिए जैसे बड़े लोग कहे कि माइंड गेम चल रहा है। हाँ। तो वैसे ही आपका भी मन में, हम लोग का मन में कुछ कुछ चलता है। जैसे? जैसे कि आने वाले हैं मोदी जी अभी, और अखिलेश जी आएंगे, वही लोग का अभी चुनाव है, तो जीतेंगे अच्छा लगेगा हम लोग को भी और राष्ट्र जनता को भी ठीक लगेगा, काम करेंगे बढ़ के चढ़ के जो इसको वोट मिलेगा। अखिलेश जी को? अखिलेश जी तो है, वो तो है ये है। कौन अखिलेश जी? अखिलेश यादव। हाँ हाँ। अच्छा, तो तुम यूपी के रहने वाले हो? नहीं नहीं, हम तो झारखंड के रहने वाले। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है, वाह क्या बात है। बाबू जी आप क्या कह रहे हैं? इस बार तो मोदी ही आएंगे और तभी देश बचेगा, तभी देश बचेगा, तभी देश बचेगा।